हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं सारे ही भगवान जी का श्रृंगार कर रही हूँ, उसी के साथ छोटे जितने भी विग्रह हैं उन सबका श्रृंगार हो चुका है, मंदिर में विराजमान हो चुके हैं वो। और साथ ही अब जो है बड़े वाले जो राधा कृष्ण हैं उनका श्रृंगार मैं कर रही हूँ, तो उन्हीं का श्रृंगार बस हो रहा है अभी धीरे धीरे। तो ये राधा रानी यहाँ बैठी हुई हैं बिल्कुल तैयार अपना श्रृंगार करवाने के लिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम ये देखते हैं कि इनके श्रृंगार में क्या क्या होना है, ये कौन से कपड़े पहनी हैं, क्या कर रही हैं, कौन सी ज्वेलरी पहननी है इन्होंने, यही सब अब हम देखेंगे। इनको मैंने श्रृंगार थोड़ा सा मैंने इनका कर दिया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि राधा रानी को बिना वस्त्र के मैं नहीं लाऊंगी आज से कैमरा के सामने, तो मैंने इनके वस्त्र इनको धारण करा दिए हैं, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा श्रृंगार बस इनका हुआ है, बाकी जो इनके ज्वेलरी है, जिस तरीके से श्रृंगार मैं करती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, माथा पट्टी, मुकुट वगैरह पहनाती हूँ, वो मैं सारा कुछ अभी आपके साथ शेयर करूंगी। सो चलिए लेट्स गेट इन टू द वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके से, मतलब कौन से कपड़े इनको मैंने पहनाए हैं और किस तरीके से मैंने इनका श्रृंगार करना है आज। सो जी फ्रेंड्स, ये कुछ इनके आज की ड्रेस है, जिस तरीके से सारे भगवानों ने गोल्डन और ऑफ वाइट कलर के ही वस्त्र जो है पहने हैं, सो इसी तरीके से इनका भी ऑफ वाइट कलर का ही जो है, गोल्डन कलर का ऑफ वाइट कलर का लहंगा है इनका, और इसके ऊपर रेनबो सीक्वेंस यहाँ लगे हुए हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि आप फॉलो कर पाएं कि मैं इनमें क्या क्या जो है श्रृंगार का पार्ट कर चुकी हूँ। मैं इनको वस्त्र पहना चुकी हूँ, इनकी चुनरी पहना चुकी हूँ और कमरबंद मैंने पहना दिया है ताकि चुनरी वहां सेट हो जाए इनकी। सो ये अब बेसिक मैंने ये कर दिया है। अब जो है मैं इनको नेकलेस पहनाने जा रही हूँ, तो ये इनका आज का मैंने नेकलेस निकाला है, थ्री लेयर्स वाला, रेड एंड ग्रीन कलर के इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, थोड़ा मैंने कॉन्ट्रास्ट में ही निकाला है इनका नेकलेस आज का। सो ये मैं पहना दूंगी। धीरे से ये चक्र के पीछे से निकालते हुए डोरी को ये हम बांध देंगे यहाँ पर। इसको जितना नीचे ऊपर जैसे रखना है, जैसे सेट करना है, इसको पहले ही सेट कर लेंगे और फिर पीछे से इसे बांध लेंगे हम। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो सेट हो जाता है, पर बांधने से पहले जितना आपको ऊपर नीचे रखना है एटलीस्ट लेंथ सेट कर लीजिए, बाकी लेयर्स तो सारे सेट हो जाते हैं फिर। इस तरीके से ये मैंने एक ही जो है लेयर्ड वाला पहना दिया है नेकलेस आज, ताकि दो या तीन नेकलेस मुझे पहनाने की जरूरत ना हो। इस तरीके से हमने ये लेयर्स जो है सारे सेट कर दिए यहां पर। अब आती है बारी इयररिंग्स की, तो इनके इयररिंग्स भी कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन मैं पूरे ऐसे कानों में इस तरीके से ऊपर करके लगाऊंगी ताकि कान पूरा भरा हुआ सा दिखेगा, जिस तरीके से पिछली बार हमने इयररिंग्स लगाए थे पूरा कान भरा हुआ दिख रहा था ऊपर तक का जैसे पहनते हैं। मैं अभी क्लोज व्यू आपको दिखा दूंगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये इयररिंग कैसा बैठा है इनका। तो ये जो फूल है बेसिकली ये कान के ऊपर की तरफ मैंने लगाया है। जी फ्रेंड्स, ये कुछ इनका क्लोज व्यू है इयररिंग का। सो इस तरीके से पूरा भरा हुआ जो है इयररिंग आ रहा है। इसी के साथ श्रृंगार और आगे बढ़ने से पहले, चोटी वगैरह में कुछ भी लगाऊं उससे पहले, सॉरी बिंदी जो बिंदी मांगटी का वगैरह कुछ भी लगाऊं, मैं इनकी चोटी पीछे सेट कर देती हूं
क्योंकि बाकी श्रृंगार होने के बाद ये स्पेस काफी कम है तो इसमें से चोटी निकल नहीं पाती है, तो चोटी हम पहले सेट कर लेते हैं इनकी। धीरे धीरे से इसमें से निकालते हुए और जितनी लेंथ चाहिए चोटी की उतनी रख के बाकी पूरी जो है पीछे से मैं यहाँ से ही बांध दूंगी। अब जो है हम ये नेकलेस पूरा सेट कर देंगे, यहाँ पर जो चोटी के बीच में से आ रहा है ये पूरा यहाँ सेट हो गया और ये इनका झुमका यहाँ। तो जी फ्रेंड्स, चोटी हमने लगा दी है, इसी के साथ मैं इनके ये गजरा निकाला था आज मैंने वाइट कलर का, वो भी मैं लगा देती हूँ। एक की क्लिप से जी फ्रेंड्स, ये मैंने चोटी लगा दी है इनकी, यहाँ पे इनका गजरा भी मैंने सेट कर दिया। कुछ ये मेरे पास इस तरह की डायमंड पिन्स हैं, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, इससे मैं इनका गजरा वगैरह सब जो है यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो ये हो गया इनका कुछ कुछ हद तक का श्रृंगार। अब चलते हैं इनकी बिंदी लगाते हैं। सो बिंदी बड़ी आराम से हमें निकालनी होगी। ये जो है स्टोन वाली बिंदी, रेड इस पे मैं स्टोन्स लगे हुए हैं, ये बिंदी मैं इनको लगा रही हूँ आज। बिंदी इनके हर श्रृंगार के साथ बदलती है, कभी तो मैं बिल्कुल मैचिंग की बिंदी लगा देती हूँ, कभी अगर कोई अलग तरह का ड्रेस हो तो उसके साथ मैं इस तरह की रेड कलर की स्टोन्स वाली बिंदी लगा देती हूँ इनकी। और मांग टीका इस तरह का है, जैसे रेड एंड ग्रीन के स्टोन्स का है, उसी तरीके से रेड कलर के स्टोन्स का मांग टीका आज हम लगाएंगे। सो यहाँ पे हल्की सी मोम लगा के ताकि मांग टीका ठहर जाए यहाँ पर। मांगटी का सेट कर दिया हमने, रेड स्टोन का है। और नथ मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, इसलिए चलिए आज मैं ये जो है इस तरह की नथ इनको मैं पहना रही हूँ। इसमें एक छोटा सा रेड कलर का स्टोन है बीच में, वो क्लियरली शायद पिक्चर में नहीं आ रहा है, बट इसमें एक रेड कलर का बीच में स्टोन है, तो यही वाली नथ जो है हम पहना देते हैं ताकि पूरा श्रृंगार जो है वो मैचिंग का हो जाएगा। कड़े इनके पहना देते हैं। ये भी इसी तरह के हैं, रेड ग्रीन और मोती के इसके जैसे इनका नेकलेस है।
अब सबसे बड़ी लड़ाई आती है मुकुट की, क्योंकि ये वाले मुकुट, इनके पीछे कुछ वेलक्रो वगैरह नहीं होती है, ये खाली मोम से चिपकाने पड़ते हैं। ये कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मोम लगा के चिपकाएंगे इन्हें हम। इनका जो पहले का मुकुट बना हुआ है इसके ऊपर मैंने मोम लगा दी है, और मांग टीके को बीच में रखते हुए ये इस तरीके से हम चिपका देंगे पूरा मुकुट। और एक डबल चुनरी लेकर के, नेट की हो या आपने कोई अपने हाथ से कुछ बनाया हो कभी भगवान जी के लिए, मैं तो नहीं बना पाती हूँ। ये हाँ, ये इनकी चेन है एक जो मैं इनके हाथ में पकड़ाती हुई है, तो ये चेन इनके हाथ में दे दूंगी। और इस तरह की एक मेरे पास नेट की चुन्नी है, वो मैं इनको सर से इस तरीके से उड़ा दूंगी। तो जी फ्रेंड्स, इनका श्रृंगार हो चुका है अब, और ये तो अब कान्हा जी के साथ रास करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कान्हा जी कितने तैयार हैं पता नहीं। सो ये बिल्कुल रास, आज रात के रास के लिए बिल्कुल तैयार हैं हमारी राधा रानी। और इनके श्रृंगार में अगर कोई कमी हो आज के श्रृंगार में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई चीज़ हो जो अच्छी नहीं लग रही है, मुझे चेंज करनी चाहिए, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसको बदल दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अब मैं आपसे इस वीडियो में लेती हूँ विदा। अब मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे कान्हा जी के श्रृंगार के साथ। राधे राधे।